22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से मंदिर को आम नागरिकों के लिए शुरू कर दिया है। इसी तरह पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं का आना जाना अयोध्या में हो रहा है। आज सिहोरा से जय श्री राम के जय घोष के साथ राम भक्त अयोध्या की ओर अपने आराध्य भगवान श्री राम जी के दर्शन के लिए सिहोरा नगर से निकल पड़े। 500 वर्षों के बाद प्रभु राम से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे में राम भक्त यह अवसर छोड़ना नहीं चाहते थे। भक्तों में गजानन निनावे, मोतीलाल ठक्कर, राजू मड़ेवार, सुधीर नेमा, दिलीप गुर्वे, जयप्रकाश गुरव, पप्पू पारधी, संजय चोपकर, सुरेश हेडाऊ, स्वप्निल लिमजे, दिलीप बिस्ने, रविंद्र निनावे, ज्ञानेश्वर लारोकर, राजेश लारोकर, हेमराज गुर्वे, विलास हेडाऊ, विजय कुर्वे, ज्ञानेश्वर लिमजे, दिलीप चौधरी, धर्मेंद्र नेवारे, सतीश निमजे, विजय पटेल, जय निमजे, नितेश ठाकरे, नरेश बोकड़े आदि राम भक्त शामिल है। बड़े लंबे अरसे के बाद श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। 22 तारीख को माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया है और सिहोरा क्षेत्र की जनता भी उस मंदिर के दर्शन लेने के लिए बड़ी आतुर थी। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि 21 फरवरी को सिहोरा क्षेत्र से और सिहोरा से 27 लोगों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हो रहा है। उसी प्रकार तुमसर तालुका से भी बड़ी संख्या में कार सेवक लोग रवाना हो रहे हैं। भंडारे से इसका नेतृत्व अपने जिले के खासदार श्री सुनील जी मेंढे कर रहे हैं और आज 1 बजे वर्ठी रेलवे स्टेशन से रवाना हो रहे हैं। NBC न्यूज़ के लिए सिहोरा से रणधीर नेमा की रिपोर्ट।